केंद्र सरकार वालों जो किसान खिलाफ काले कानून बनाए गए हैं उन्होंने लैके किसानों का रोस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। किसान आज रेलवे ट्रैकों सड़क टोल प्लाजा रिलायंस इंडस्ट्रीज के माल स्टोर उत्ते पिछले काफ़ी दिनों तो अपने परिवारिक मैंबर समेत धरने पर बैठे हैं। जिला नवांशहर में चंडीगढ़ रोड से रिलायंस इंडस्ट्रीज के सुपर स्टोर उत्ते किसानों वालों किसान का धरना अज 19वें दिन दाखिल हो गया। इस किसानी धरने नूं पंजाबी लोक सभा ते साहित्यक मंच ने समर्थन दिता। इस मौके उगे कवि ने मीडिया नाल गलबात करदिया कहा कि ये जो अंदोलन अज शुरू होया है उसकी कल्पना शायरा ने 25 साल पहला ही कर दिती सी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो ये किसानां नाल धक्का किया एक मंदभागी गल है। अज पहला दिन नहीं आए, सानू पता कि महीने तो उपर हो गया आ किसानों नू वक वक होर जथेबंदियों के सहयोग नाल इस बहुत ही भयानक समय के बहुत जबरदस्त संघर्ष करदियां नू पहले दिन तो ही लगभग असी प्रगतिशील लेखक संघ ते होर लेखक जथेबंदियों के अगवाई च लेखकां दी हमायत है किसानां दे संघर्ष नू और असी वक वक जिलियां च वक वक थावां ते साडे लेखक मित्र रोज़ शामिल हुंदे आ। मैं खुद हुण तक 8-10 थावां ते जा चुका हाँ। उहदा कारण यह है कि लेखक तो इस गल नूं बहुत देर पहला महसूस कर चुका सी कि यह कुछ होना आ। यह मैनूं याद है कि अज तो 25 साल पहला मैं एक रचना लिखी कि तू मरदें चंद सियाड़ा नूं उहना पूरा देश वका देना। वह 25 साल पहला जिहड़ा प्रोसैस शुरू हो अज पूरा हो गया। लगभग उन्होंने उधर नूं तोड़ दिता उन्हूं जिथे होना सी। किहदा कारण बन गया ये जिहड़े बिल है ये पिछे तो एक वड्डी मतलब लुट कसुट की परंपरा पई है जिहदे जिहड़े इहदे असली कारण है। जदों भी कोई किसी भी धिर दे उपर भीड़ आउंदी है उहदे हक खोए जांदे आ तां लेखक हमेशा उन्हां दे नाल हुंदे आ, हमेशा तो नाल रहे आ। ये मतलब पहली बारी नहीं है तो हुण भी किसानी धिरां दे नाल है। साडा 90-95% तो वध लेखक जिहड़े आ उह जां किसानां चों आ जां मजदूरां चों आ। उन्होंने शब्द की शक्ति को खत्म करने की कोशिश की, हर थां ते मात भाषावां ते डाका मारन की कोशिश की आ। तुसीं हैरान होवोगे कि भाषा का किवें राजनीतिकरण करते आ। डोगरी पंजाबी दी एक उपभाषा हुंदी है, राष्ट्रीय जिहड़ियां भाषावां आ उन्हां दी गिणती च लै आंदा ते उहनूं बोलण वाले थोड़े जिहे लोग है। डोगरी नूं 13 करोड़ लोग राजस्थानी बोलते आ और लंबे समय तो उत्थों दे लेखक भाईचारा संघर्ष कर रहा है कि इहनूं संविधान की 8वीं सूची के राष्ट्रीय भाषावां च लियाओ। हिंदी ठोसी हुई है उन्हां ते, वो कहिंदे ये साडी मात भाषा नहीं है, साडी कामकार की भाषा है। हिंदी हरियाणे की मात भाषा नहीं है, कामकार की भाषा है। हरियाणवी हिंदी बोलते आ, कितने हिमाचली हिंदी बोलते आ, नहीं बोलते। ईवन के यूपी बिहार भी हिंदी नहीं बोलता, उन्होंने बावजूद रेलां नहीं आ रही। पंजाब च शॉर्टेज करनी चाहते हैं बिजली बोलूँ। इन्हां पुछे भी जिहड़े संघर्षी लोग हुंदे आ वो 10 दिन बिजली तो बिना भी रह लेंगे, कोई गल नहीं। अगे जो बिजली नहीं सी तो लोग जींदे नहीं सी। इस मौके किसान हरमेश सिंह ढेसी ने मीडिया नूं दस्या कि जदों दा केंद्र सरकार ने किसानां खिलाफ जो काले कानून बनाए हन उदों तों लै के अज तक किसान संघर्ष दे राह ते खड़ा है। अज रिलायंस इंडस्ट्रीज ते माल स्टोर ते धरना 19वें दिन विच शामिल हो गया। धरना जी आपां 13 तरीक ते लगातार शुरू कीता है जी, ते 13 तो अज लगभग 18-19वें दिन हो गया इत्थे सानू धरना शुरू कीते नूं। ते हर रोज़ कोई ना कोई वर्ग जिहड़ा साडी हमायत करन इत्थे आ रहा आ। ते अज भी जिहड़े साडे जिले दे प्रगतिशील लेखक संघ है उहदे सारे कवि लगभग कवि नाटककार लेखक वो सारे इत्थे आए हुए आ, साडी अज हमायत कर रहे आ। ते असीं जिहड़ा ये 5 तरीक नूं जिहड़ा आपां बंद कर रहे पंजाब उहदे संबंध च लगातार हुण पिंडां च मीटिंगां रैलियां करा रहे हैं ते बड़े जोर शोर नाल जिहड़ा 5 नूं आपां बंद करावांगे। देखो जी इहदा इक बिल कहदा ड्रामा आ, करोड़ रुपया जिहड़ा फाइन आ इहदा, किसान जे सारी जमीन भी दुआबे च वध तों वध 3 जां 4 खेत 5 खेत वाला आ, हुण जिहड़ी कीमत आ 5-12-13 लाख दे करीब है, इहदा सारी जमीन भी बेच दे तां वी नहीं उह करोड़ रुपया बणदा। सो इस करके ये भावें जिन्हें मर्जी आर्डीनेंस जारी करी जाए पंजाब के किसान इन आर्डीनेंसा जरा टिच करके जानते आ, टिच करके जाणूंगे आप इनका कोई भी जो आर्डीनेंस है कोई भी जो कानून है वह बिल्कुल इतने पंजाब लागू नहीं होने देवे। नवांशहर तो जतिंद्रपाल सिंह कलेर की रिपोर्ट।
ਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਵੇਂ ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੈਕਸ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਮੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂਤ ਸ਼ਿਕਰ ਪਤਨ ਘੱਟ ਸ਼ਕਰਾਣੂ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਵਿਰਜ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਲਲਿਤ ਵਰਮਾ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਮਰ ਹੋਵੇ 25 ਜਾਂ 80 ਸਾਲ ਦਰ ਦਰ ਨਾ ਭਟਕੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਅਨੇਕਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਤਾਕਤ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵਰਮਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਖਾਨਾ ਨਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਫਗਵਾੜਾ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 98144-6471 98150-6471